हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में सूरत स्पेशल राजा रानी पराठा, या फिर आप जिसे किंग को पराठा भी कह सकते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने 8 से 10 दिन पहले बनाया था, लेकिन किसी वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई थी, उसको एडिट नहीं कर पाई थी। और आज मैं आप लोगों से एडवांस में ही माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बोलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है वॉइस ओवर करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी मिस्टेक्स से मेरी गलतियों को इग्नोर करेंगे और मुझे कोऑपरेट करेंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पराठा बनाने के लिए इसका डो तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप भर के गेहूं का आटा और 1 कप भर के मैदा लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन, जिससे कि हमारा डाइजेशन जो है वो अच्छा रहेगा। साथ ही मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून नमक। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका आटा तैयार कर लेंगे। जिस तरह के हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंथते हैं, उसी तरह से हमें इसका आटा गूंथ लेना है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और ऑयल डालने के बाद में हम इसको अच्छी तरह से आटे को सॉफ्ट कर लेंगे, इसको स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद में हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। तो मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया है, जिसको बॉईल कर लिया है। थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया है, एक छोटे साइज़ का मैंने गाजर, एक मीडियम साइज़ की प्याज और एक कैप्सिकम लिया है। बीटरूट मैंने लिया है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने हैंड चॉपर लिया है और इसमें डाल के मैं सारी सब्जियों को एकदम बारीक चॉप कर लूँगी। इसको एकदम बारीक चॉप करना ज़रूरी है, वरना बेलने में हमको प्रॉब्लम आएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सभी को जो है हैंड चॉपर से चॉप किया है। आप चाहें अगर तो इसको हाथ से भी बारीक बारीक कट कर सकते हैं। और पराठे का कलर रेड हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें बीटरूट नहीं डाला है। आप चाहें तो इसमें बीटरूट भी डाल सकते हैं। और सभी सब्जियों को मैंने बारीक काट के एक बाउल में ले लिया है। अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पनीर, तो ये ऑप्शनल है, लेकिन ये राजा रानी पराठा है, किंग ऑफ पराठा है, तो जाहिर सी बात है इसमें सभी चीज़ें डलेंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होती हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने 1 क्यूब ले लिया है चीज़ का, इसको भी हम ग्रेट कर लेंगे। और इसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर आलू। तो आलू को भी हमने ग्रेट करके ही डालना है, हमने हाथ से इसको मैश नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़रा भी इसमें गुठलियाँ रह गई तो फिर हमारा जो पराठा है बेलते वक्त फट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारी जो स्टफिंग है वो तैयार कर ली है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 5-6 हरी मिर्चें इसको बारीक क्रश कर लिया था, इसको भी हम डाल देंगे। और इसको भी आप देख सकते हैं कि मैंने एकदम बारीक क्रश किया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन क्रश किया हुआ, तो मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच भर के डाला है। और 1/2 चम्मच ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाले हैं। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने डाला है गरम मसाला। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया जो फ्रोज़न था वो मैंने डाल दिया है। एक्चुअली मेरे पास में फ्रेश वाला नहीं था, ख़त्म हो गया था। सब चीज़ें डाल के हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला है फिलहाल, क्योंकि अगर हम नमक डाल देंगे तो सारी सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देंगी। तो जब हम पराठा बनाएंगे, जब इसमें स्टफिंग डालेंगे, तभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा आटा भी तैयार हो चुका है अब तक। और आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग रेडीमेड वाला आटा यूज़ करते हैं तो आपको मैदा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर घर का पीसा हुआ गेहूँ अगर आप उसका आटा यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा मिला लें, वरना फिर ये जो पराठे अच्छे से बेले नहीं जाते। और मैदे में क्या है, थोड़ा सा स्टिकीनेस होती है, तो इससे हमारे पराठे अच्छी तरह से बेले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने 5 पड़े बना के रख लिए हैं, हालांकि मैंने 5 पराठे नहीं बनाए थे, इतना स्टफिंग में मेरे सिर्फ 3 ही पराठे बन के तैयार हुए थे। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो है पूरा जो एक्स्ट्रा स्टफिंग है निकाल के साइड में रख रही हूँ, और जितना हमको पराठे में भरना है उतना मैंने बाउल में छोड़ दिया। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया है अपने टेस्ट के हिसाब से। और नमक मिलाने के बाद में हम अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और नमक मिलाने के बाद में ये होगा कि हमारी स्टफिंग है ना थोड़ी सी गीली सी हो जाएगी, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो है वो पानी छोड़ देती हैं। तो खैर, यहाँ पे देखिए, मैंने पेड़ा ले लिया है, इस पर हमने सूखा आटा लगाना है। और इसके बाद में आप इसको या तो थोड़ा सा बेल लें, या फिर आप इसको हाथों से ही थोड़ा सा बड़ा कर लें, और उसके बाद में आप इसमें स्टफिंग भर दें। और स्टफिंग हमने इतनी ही भरना है जितना हम इसको हैंडल कर सकें बेलने के टाइम पे। अगर बहुत ज़्यादा भरेंगे तो बेलने के टाइम पे जो पराठा है फट जाता है, फिर हमारा पटला भी पूरा गंदा हो जाता है और पराठा भी हमारा जो अच्छी तरह से नहीं बन पाता। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको भर दिया है। इसके बाद में इसके हम साइड्स पकड़ के पूरा इसको जोड़ देंगे इस तरह से।
और फिर देखिए मैंने इसको पूरा चारों तरफ से पैक कर लिया है अच्छी तरह से। और इसमें ध्यान रहे कि पराठे के अंदर एयर बबल्स नहीं होने चाहिए, वरना फिर पराठा बेलने के टाइम पे फट जाता है और सब्जियां उसकी बाहर आ जाती हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा इसको पहले अच्छे तरह से इसमें सूखा आटा लगा लेना है, उसके बाद में आप हाथों से थोड़ा इसको पूरा फैला दें, बड़ा कर दें, जितना हो सकता है आप इसको हाथों से पहले बड़ा कर दें। और सूखा आटा आपने इस पर ज़्यादा लगाना है, आटा यानी आप मैदा लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, फटेगा नहीं। और इसको देखिए मैंने स्प्रेड करने के बाद में हल्के हाथों से इसको बेलना है, बहुत ही हल्के हाथों से, और हमने इसको ज़्यादा नहीं बेलना है, इसको हमने मोटा ही रखना, पतला नहीं करना, वरना यह फट जाएगा। और यहाँ पे तवे को मैंने मीडियम गरम किया है, बहुत हाई गरम नहीं किया, उसके ऊपर मैंने एक चम्मच भर के ऑयल डाल दिया है, ऑयल नहीं डाला मैंने, इस पे घी डाली हूँ। आप चाहें तो इसको बटर से भी फ्राई कर सकते हैं। और पराठे को इस पे डालने के बाद में मैंने आसपास भी घी डाल दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम किंग ऑफ पराठा बना रहे हैं या राजा रानी पराठा बना रहे हैं तो हमको चीज़ें भी इसमें ऐसे ही डालनी पड़ेंगी, तो मैंने इसलिए इसमें घी डाला है। और आप इसको बटर से भी फ्राई कर सकते हैं, एक्चुअली जो बाहर मिलते हैं रोड साइड मिलते हैं वो सब बटर ही यूज़ करते हैं इस पे, लेकिन मैंने इसको घी से फ्राई किया है। और एक साइड में जैसे ही थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। और पराठे को पलटने के बाद में हम ऊपर से भी इस पे घी डाल देंगे, और घी डाल के अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है। और इसको हमने घी डालने में ज़रा भी कंजूसी नहीं करना है, इसको बहुत अच्छी तरह से हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम हाई पे फ्राई करेंगे तो इसकी सब्जियां जो है वो कच्ची रह जाएंगी और पराठा भी हमारा अच्छी तरह से पक नहीं पाएगा। तो इसी तरह इसलिए इसको बहुत ही सुकून से, बहुत ही आराम से हमने इसको फ्राई करना है दोनों तरफ पलटी करते हुए। और आप देख सकते हैं इसको मैंने वापस से पलटी कर दिया है, इसको हमने प्रेस कर करके अच्छी तरह से फ्राई करना है जिससे कि इसकी सब्जियाँ जो है अच्छे से पक जाएँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने वापस से पलट दिया है और आप देख सकते हैं कि एक साइड में अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसमें एकदम लाल कलर आ चुका है, यानी कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब दूसरे साइड में भी हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा पराठा बनके तैयार हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। तो चलिए अब उसी तवे पे हम डाल देंगे घी। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून भर के इसमें मैंने घी डाला है, और अब इसमें हम डाल देंगे हमारी स्टफिंग जो हमने तैयार करके रखी थी। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच भर के इसमें स्टफिंग डाली है, तो ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसको कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना नमक, और नमक डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सब्जियों को भी अच्छी तरह से पका लेंगे। और अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ पाव भाजी मसाला, जिससे कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये मसाला डाल के हम इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और पाव भाजी मसाला मैंने इसमें थोड़ा सा ही डाला है, 1/4 टीस्पून के जितना। और यहाँ पे भाजी हमारी देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। और भाजी को मैंने पराठे के ऊपर डाल दिया है, और इसको हम फिर चारों तरफ फैला लेंगे पराठे के ऊपर, अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे। तो आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये पराठा जो होता है बहुत ज़्यादा हेवी होता है, तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं डाली हैं, मतलब स्टफिंग बहुत ज़्यादा इस पर नहीं डाली है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें स्टफिंग भरी हुई है। और यहाँ पर मैंने देखिए चीज़ क्यूब इसके ऊपर ग्रेट कर दिया है, तो चीज़ भी आपको जितना डालना है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए चीज़ भी ग्रेट कर दिया है इसके ऊपर, और अगर आप हजम कर सकते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा बटर या थोड़ा सा घी और भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया। और जो बाहर मिलते हैं स्ट्रीट में जो मिलते हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, पर ये हमने घर में बनाया है, और जाहिर सी बात है कि हम इतना हैवी तो हम हजम नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने जो है मीडियम साइज़ का बनाया है। इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया, देखिए यह हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम न्यूट्रिशियस हमारा किंग ऑफ पराठा या फिर वेज पराठा बन के तैयार हो चुका है, देखिए है ना। तो चलिए यहाँ पे हम दूसरा पराठा बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे स्टफिंग में नमक ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने पराठा भी बना लिया है, जिस तरह मैंने पहले पराठा बनाया था वैसे ही बनाया है, सिर्फ यह है कि इसको थोड़ा सा मैंने मोटा बनाई हूँ, क्योंकि हम इसको दूसरे तरीके से कुछ करने वाले हैं। और पराठे को तवे पर डाल के मैंने इसमें घी डाल दिया है, और इसको हम अच्छी तरह से सेक लेंगे, पूरे में अच्छी तरह से घी अप्लाई कर देंगे इस पर। और इसको भी हमने देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, और आप देख सकते हैं कि ये पराठा थोड़ा सा मैंने मोटा बनाया है, इसके लिए फूल भी गया है, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। और ये इतना हेवी होता है इसलिए इसमें हमने अजवाइन डालना ज़रूरी है, तो या तो आप इसमें आटे में अजवाइन डाल सकते हैं, या तो फिर आप स्टफिंग में अजवाइन डाल सकते हैं। तो चलिए मैंने पराठे को तवे में से बाहर निकाल लिया, उसी तरह से हमने सब्जी भी इसकी तैयार कर लेना है, यानी इसको फ्राई कर लेना है। तो तवे पर मैंने थोड़ा सा घी डाल के इसमें मैंने सब्जी डाल दिए, इसमें हम वही फिर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल के इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारी सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएं।
तो यहाँ पे देखिए हमारी सब्ज़ी भी पक चुकी है, अब इसको हम निकाल लेंगे साइड में। अब यहाँ पे मैंने पराठे को एक प्लेट में निकाल लिया है और उसको हम पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से कट्स लगा लेंगे। अगर आपके पास में पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप इसको छुरी से भी कट लगा सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि जो पराठा है वो स्लिप हो रहा है। अब जो लोग रोज़ बनाते हैं तो उनको तो हैबिट होती है, तो लोग फटाफट से सब कर लेते हैं, लेकिन अब हमारे घर में तो हमेशा इतनी हैवी चीज़ें नहीं बनती हैं तो हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद में हमने जिसकी ऊपरी परत होती है ना उसको इस तरह से हमने खोल लेना है, देखिए इस तरह से। तो मैंने इसकी देखिए सारी परतें खोल दी है। और उसके बाद में हमने तवे पे जो सब्ज़ी फ्राई की थी उसको हम डाल देंगे इसके बीचों बीच में और उसको हम पूरे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे। और उसके ऊपर से हम डाल देंगे इसके ऊपर चीज़। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ का क्यूब ग्रेट करके डाला है, तो आप अपने हिसाब से इस पर चीज़ डाल सकते हैं, आप कितना चीज़ खाना पसंद करते हैं। एक्चुअली मार्केट में जो पराठे मिलते हैं तो उसमें तो बहुत ही भर भर के चीज़ डली होती है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी चीज़ आप इसमें डालना पसंद करते हैं। और देखिए हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और न्यूट्रिशियस हमारा किंग ऑफ पराठा या फिर राजा रानी पराठा बन के तैयार हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।